इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग से नाराज सीपीआई की जहां आंखें लाल है तो वहीं दूसरी तरफ लालटेन भी गर्म है। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन के गांठ खुलते नजर आ रहे हैं। सीट बंटवारे से नाखुश आरजेडी और सीपीआई ने अपने तेवर तल्ख कर दिए हैं। आरजेडी के बाद सीपीआई ने बात नहीं बनने पर अलग राह निकालने का अल्टीमेटम दे डाला है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच, आरजेडी के बाद सीपीआई ने भी दिखाई आंख, बात नहीं बनी तो निकालेंगे अलग राह। इंडी गठबंधन के खुल रहे कई गांठ। इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस और जेएमएम के 70 सीट पर साथ लड़ने के ऐलान के साथ इंडी गठबंधन में दरार आ गई है। सीट बंटवारे से नाखुश आरजेडी, 22 तो सीपीआई 15 सीट की मांग को लेकर अड़ गई है। आरजेडी और सीपीआई ने न केवल अल्टीमेटम दिया है बल्कि यहां तक साफ कर दिया है कि आगे के रास्ते सभी के लिए खुले हैं, यानी चेतावनी आर पार की है। एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि साथ छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, लेकिन उसमें जो व्यक्ति बातचीत के लिए थे हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारे प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, लेकिन थोड़ा कष्ट हुआ। कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई, 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। और इसलिए जब हमारी कल की बैठक हुई, आज की बैठक हुई, तो ये चिन्हित किया कि ये इतनी सीटें हैं जिसका ब्यौरा कल तक आपको हम दे देंगे। हम महागठबंधन को 60 से 62 सीट पे मदद करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को, लेकिन हमारी जहां मजबूत दावेदारी है, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूं आपको, 14 में हम एक भी सीट नहीं जीते, ये सच है। लेकिन उससे बड़ा सच है कि एवरेज वोट जहां हम नंबर 2 पे रहे 23% से ज्यादा था। पॉलिटिक्स में कभी भी किसी के लिए द्वार बंद किया नहीं जाता। अगर वो बंद करना चाहते हैं तो झारखंड में भविष्य जो झारखंड का होगा उनके लिए ये तमाम पार्टी जिम्मेदार रहेंगे। हम अपना तरफ से चाहते हैं कि सबको लेके हो, हम किसी गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहते। हम 20 सीट 50 सीट का मांग नहीं कर रहे, हम रीजनेबल सीट में लड़ेंगे। गठबंधन हो या ना हो, हम रीजनेबल सीट में लड़ेंगे और हम अपना पार्टी का जो पॉलिटिक्स है उसको लेके लड़ेंगे और झारखंड में हम लेके जाएंगे। अगर वो गठबंधन नहीं करते, हरियाणा में देखने को मिला क्या हुआ पिछले बार, ये जनरल इलेक्शन का पहले इनका जो रवाब रहा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, ये देखने को मिला। तो इससे कांग्रेस और जेएमएम को सबक मिला होगा ये हम उम्मीद करते हैं। अगर उनको सबक नहीं मिला, हम किसी का पास हाथ जोड़ के खड़ा नहीं हुए, हम अपना लड़ाई लड़ रहे और हम उम्मीद करते कि वो झारखंड में वो बड़ा पार्टी है, उनका ज्यादा जिम्मेदारी है, वो अपना जिम्मेदारी को समझेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर एक कदम आगे निकल चुकी है, जबकि इंडी गठबंधन अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर फंसी है। सीट बंटवारे को लेकर खटपट साफ सुनाई देने लगी है। बहरहाल इंडी गठबंधन में मची खींचतान से ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के खिलाफ एक जूट इंडी गठबंधन की ताकत अब धीरे धीरे फीकी होती दिख रही है। नमस्कार।